सारी जो कायनात है, जो ब्रह्मांड है, उसके दो पहलू, एक मटेरियलिस्टिक है और एक स्पिरिचुअल है, आध्यात्मिक है, कि हम एक शरीर नहीं है जिसमें आत्मा है, बल्कि हम एक आत्मा है जिसका एक शरीर है। पाकिस्तान स्थित हैदराबाद के सिंध में सन 1916 में जन्मी दादी जानकी का बचपन से ही आध्यात्मिकता और लोगों की सेवा करने में गहरा रुझान था। वे 21 वर्ष की उम्र में ही ब्रह्मा कुमारी संस्थान के संपर्क में आ गईं और 14 वर्ष तक घोर तपस्या के बाद खुद को शक्ति स्वरूपा बना लिया। अपन को भी भगवान का प्यार मिलता है ना, बड़ी खुशी होती है, वो खुशी अमर है। संकल्प शक्ति का कमाल दिखाने वाले यूरी गेलर ने भी दादी के योग की शक्ति का लोहा मान लिया। साथ ही यूनिवर्सिटी ऑफ टेक्सास में भी दादी को विश्व की स्थिर चित्त महिला का खिताब दिया गया। देश के प्रधानमंत्री ने दादी को स्वच्छ भारत मिशन का ब्रांड एम्बेसडर बनाया है। दुनिया में आपकी सेवा हमेशा बेमिसाल रही है। केवल भारत ही नहीं बल्कि विश्व के 140 देशों में अपनी मौजूदगी से दादी ने लाखों लोगों की जिंदगी में एक सकारात्मक ऊर्जा का संचार किया है। जो काम दादी जानकी ने किया, दुनिया का बड़े से बड़ा सेनापति नहीं कर सकता है। क्या हुआ साकार में आप नहीं आते, अव्यक्त में हम आपकी पालना पाते। बाबा की याद दिलाना, आपको देख करके याद दिलाना नहीं पड़ता, याद आती है। पार्ट है ना, पार्ट है, विशेष पार्ट है, सीखती हूँ। पर जितना इनको देख करके बाबा याद आता है, मेरे को देख कर क्यों ना आवे। कोई पूछती है तुम कैसे चलती हो, 5% दवाई लेती हो, थोड़ी तो लेनी पड़ती है जरूर। 50% शिव बाबा की मदद है, 45% सबकी दुआएं हैं।